त्वं भक्ति योग परिभावित हित सरोज वाससे सुते क्षित पथ ननुनात पुंसम यद याद धियात उर्गाय विभावयति तत्तद वपुपनयसे सदनु गृहाय। शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए, बद्ध जीव किसी भी हालत अपराकृत जगत का साथ, भगवान का साथ, भगवान का नाम, भगवान का धाम, अपराकृत जगत का साथ बद्ध जीव किसी भी हालत से अपना संबंध नाता जोड़ नहीं सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। एकमात्र उपाय है, शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए, एक रास्ता खुला है। वो रास्ता क्या है ना? वो रास्ता है सौत पंथा अवलंबन करना, अपराकृतो शब्द ब्रह्मों का सहारा लेना, अपराकृत शब्द ब्रह्मों का सहारा लेना, दैट इज द ओनली वे ओपन बिफोर यू। एक रास्ता, एकमात्र रास्ता, अपराकृत शब्द ब्रह्मों का सहारा ले लो, मतलब गुरु वैष्णव का सहारा ले लो, क्योंकि अपराकृत शब्द ब्रह्म बाजार में मिलता नहीं। बाजार में खरीद के लाओगे, आपका पास पैसा है, होगा नहीं। अपराकृत शब्द ब्रह्म का सहारा लेने का मतलब है टू टेक शेल्टर ऑफ गुरु वैष्णव, गुरु वैष्णव का चरण का आश्रय लेना। दीक्षा गुरु जो आपको संबंध ज्ञान दाता, संबंध ज्ञान दाता दीक्षा गुरु, ये अगर संबंध अविद्य प्रयोजन सारे तत्वों को एक ही साथ आपको दे दे, तो आपको दीक्षा गुरु भजन प्रदर्शन करने के लिए और दूसरा गुरु का जरूरत है नहीं। अगर आप देखो सामने गुरुजी सब दे दिया आपको, गुरुजी आपको दीक्षा मंत्र देने का बाद कैसे भजन करना चाहिए सारे आपको पद्धति बता दिया, फिर भी अगर देखो आपका सामने कोई पहुंचा हुआ संत महात्मा पहुंचा आया है जो अपना संप्रदाय से है, वो संप्रदाय का पहुंचा हुआ महात्मा से गुरुजी का आज्ञा लेकर आप फिर भी शिक्षा गुरु बना सकते हो। शिक्षा गुरु संभव है, दीक्षा गुरु एक है, शिक्षा गुरु एक और दो तीन हो सकता है, लेकिन जीवों को सही पात एक तो कंडीशन बताया, गुरुवाग गया गुरुवे गुरुदेव का आज्ञा लेकर तत्सेवन अविरोधेन च, गुरुदेव का आज्ञा लेकर गुरुदेव का सेवा का कोई हानि ना हो, ऐसा अगर स्थिति है। अन्य दूसरा जो गुरु ग्रहण करना था, शिक्षा गुरु ग्रहण करने का विधान जीव गोस्वामी पाद और गुरुवर्गों ने अप्रूव किया। आज जो विषय चर्चा करने का है इस विषय नहीं है, काल सुयोग हो तो चर्चा करेंगे। आज विषय है जो श्लोक हमने चर्चा किया वहां एकदम क्लियरली बताया गया, त्वंग भक्ति योग परिभावित हित सरोज आससे सुतेक्षित पथन अनुनाथ पुंसम। सुतेक्षित ये तो भगवान का अवतार कई किस्म का होता है, अनंत अवतार होता है। भगवान का अवतार भक्तों का इच्छा के अनुसार होता है। भगवान जब चाहते हैं कि ये भक्तों हमको चाहते हैं, हमको हमारा भजन करते हैं, हमको आराधना करते हैं, तो भगवान क्या करे, इच्छा हुआ तो कृपा हुआ तो भगवान उनको दर्शन दे दे। जैसे नवद्वीप परिक्रमा ग्रंथों में देखोगे एक विप्रराज वो बहुत सुंदर भजन करते थे, कौलोद्वीप में भगवान बराहदेव का भजन किया तो भगवान उसको कृपा करके बराहु जी बराहु रूप दर्शन दिया। वृंदावन में लाला बाबू जी का मंदिर का पीछे एक जगह है, वो जगह हमारा तुलसीदास जी जाके भजन किए वृंदावन में। भजन करते करते ठाकुर जी प्रसन्न हुआ,
और भगवान श्री कृष्ण उनका सामने प्रकट हुआ, प्रकट होके आशीर्वाद किए। लेकिन तुलसीदास जी का कहना है, ठाकुर हमारा लाल राम लाला का चरण में मेरा लगन है, कृपा करके आप अगर वो स्वरूप को दर्शन दे दो तो ये मेरे लिए बड़ा मेहरबानी होगा आपका लिए। तो बोलने का साथ साथ भगवान श्री कृष्ण राम स्वरूप में उसको दर्शन दे दिया। हमारा कहने का मतलब है, जो भक्तों जो भाव लेकर भजन करते हैं भगवान का, जिस स्वरूप को, हमारा गौड़ीय संप्रदाय तो है चैतन्य महाप्रभु का अनुगत्व में राधा गोविंद का भजन, ये तो है ही है। लेकिन विष्णु तत्व का आराधना जो है ये ओपन, हम किसी ने विष्णु तत्व का, किसी भी तत्व का, मैंने विष्णु तत्व का, बराहदेव का, नृसिंहदेव का, कूर्मदेव का भजन करे तो उसका सिद्धि उसी का मुताबिक होता है, ये श्लोक इसलिए बताएगा। लेकिन हमारा कहने का मतलब है, त्वंग भक्ति योग परिभावित हित सरोज आससे, हृदय में जैसा भक्ति है इस भक्ति के अनुसार भगवान रिस्पॉन्स करते हैं, आपको उत्तर देते हैं। भगवान रिस्पॉन्स करते क्या भक्ति का अनुसार। इधर एक बात देखने का लायक है, समझने का लायक है, वो है सुतेक्षित पद नोनुनाथ पुंसम। नोनु मतलब निश्चित मेव, निश्चित परिमाण में, निश्चित रूप में जान लो, ये सुतेक्षित पथ ये, अर्थात सौत पंथा में पहले ही प्रभुपाद जी बताते हैं, जो व्यक्ति अपना हिम्मत लेके अहंकार के मारे भगवान को जानने चाहता है, गुरु वैष्णव को देखने चाहता है ये आँखों के द्वारा, वो धोखा खा जाता है। भगवान को और गुरु वैष्णव को ये विचार बुद्धि, जड़ बुद्धि लेकर, जड़ दर्शन लेकर गुरु वैष्णव भगवान को दर्शन करने जाए तो वो पल पल में धक्का खा जाता है, धोखा खा जाता है। इधर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सुतेक्षित पथन अनुनाथ पुंगशाम। श्रुतो मतलब पहले आपको सौत पंथा में अवस्थित होना पड़ेगा। प्रभुपाद बोलते हैं कि पहले ही आंखों के द्वारा देखने का चेष्टा मत करो, आंखों के द्वारा आप चेष्टा देखने का चेष्टा मत करो, कानों के द्वारा देखो। कान बोले महाराज कानों के द्वारा देखा जाता है? हाँ कानों के द्वारा देखा जाता है, कानों के द्वारा देखा जाता है। और वेदांतों में बहुत सारे प्रमाण हैं, अप्राकृत शब्द ब्रह्म उसका स्वरूप, ये सब बारे में बहुत सारे प्रमाण हैं, काल अगर थोड़ा सुजोग मिले तो चर्चा करेंगे। आज जो विषय है वो है, पहले आपको शोभन करना पड़ेगा गुरु वैष्णव का, रियलाइज सोल जो है, जो अनुभव किए हुए हैं, जिसका आचरण है, आदर्श है, जिसका पास कोई आदर्श नहीं है, कोई मकसद नहीं है, उठपटांग गुरु वैष्णव को आदर नहीं करते, उसका पास श्रवण करने से कुछ फायदा नहीं होगा। जो वास्तव सौत पंथा में अवस्थित है, प्रभुपाद बार बार एक बात खूब सुंदर बोलते हैं, बार बार बोले आप लोग दया करके सत्संगो और असत्संगो, ये जो फर्क है सत्संगो और असत्संगो का जो फर्क है ये समझने का कोशिश करो। पहला काम ये है आपका, आपका पहला काम ये है कि सत्संगो कैसा है, कैसे होता है, असत्संगो कैसा होता है, ये दोनों में फर्क समझने का कोशिश करो। तो उसमें क्या है, भक्ति अनुकूल मात्र कार्यो शिकार, भक्ति प्रतिकूल कार्यो वर्जन अंधिकार। सत्संग करने का मतलब है असत्संग को भगाओ, असत्संग चलते रहे सत्संग भी चलते रहे, हाउ इज दैट पॉसिबल, संभव नहीं है। सत्संग करो तो ऑटोमेटिक वास्तव सत्संग होए तो असत्संग आपका जिंदगी में नहीं रहेगा। कोई आदमी वृंदावन में हमारे सामने प्रश्न रखा, महाराज एक व्यक्ति मंदिर में पिछले 10-15 साल से आ रहा है, 10-15 साल से आता है मंदिर में, बहुत सेवा भी देते हैं और भक्त लोगों को प्यार भी करते हैं बाहरी दृष्टि में, अंतर का पार तो देखा देखना संभव नहीं है। लेकिन वो गुरुचरण में आश्रय नहीं किया, मेरा बात ध्यान दो, वो 10-15 साल से मठ में आता है, कीर्तन भी सुनता है, बहुत सब कुछ होता है, प्रसाद भी लेते हैं, लेकिन 10-15 सालों में वो अभी तक गुरुचरण का आश्रय नहीं किया।
कोई आदमी बोले महाराज ये तो सत्संग करता है बहुत, हमने बोला जीव गोस्वाई पाद का सिद्धांत तो ये नहीं है, ये आदमी सत्संग करने के लिए नहीं आ रहा है, ये अगर 10-15 साल में सत्संग किए होते तो इसका प्राइमरी ड्यूटी होता, पहला ड्यूटी होता, पहला कदम वो गुरुचरण में आश्रय ले लेता। अदो गुरुपदाश्रयो तस्माद कृष्णो दीक्षादि शिक्षणम, इसका भी बहुत व्याख्या है। तो गुरुचरण में आश्रय लिया नहीं, 10 साल में उसका अनुभव हुआ नहीं कि आई शुड टेक शेल्टर ऑफ शुद्ध गुरु वैष्णव। 10 साल बीत गया, 10-15 साल हो गया, स्टिल उसका अंदर में अनुभव नहीं आया कि हमको गुरुचरण में आश्रय लेना जरूरी है, भगवान को प्राप्ति करने के लिए जरूरी है, ये रियलाइजेशन उसका अंदर में नहीं आया है। जीव गोस्वामी बोलते हैं ये सत्संग नहीं किया। सत्संग कहने, सत्संग अगर किया होता, सत्संग का पहला कदम है उसका अनुभव आएगा, हाउ आई कैन रीच सुप्रीम लॉर्ड, भगवान का पास हम कैसे जाएं। अब भगवान का पास कैसे जाए ये ढूंढने जाओ तो पहले ही आएगा अदो गुरु पदाश्रयो, गुरुचरण में आश्रय लेना है, गुरु वैष्णव चरण में आश्रय लिया नहीं। और जे संग करता है वो संग सत्संग नहीं है, सत्संग का बहाना हो सकता, या तो वास्तव सत्संग है नहीं, सत्संग वास्तव संग सत्संग होने का साथ साथ गुरुचरण में आश्रय लेना, और फिर भजन का पद्धति क्या है ये जानने का इच्छा होगा। भक्ति राज्यों में ये क्रम है, भक्ति राज्यों में सुंदर क्रम है, ये क्रम वो अनुभव नहीं किया तो सत्संग नहीं। वास्तव सत्संग करो तो आपका सिद्धांतों का पता चलेगा, दिन में निष्ठा आएगा, गुरु वैष्णव का विचार आप नहीं कर सकोगे, लेकिन वास्तव सत्संग हुए तो गुरु वैष्णव का लक्षण आपका सामने आ जाएगा। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताएं गुरु वैष्णव का बहुत सारे लक्षण हैं, इनमें 3 लक्षण प्रधान हैं, उच्च निरपेक्षता, धीरता और सरलता। क्या है सरलता? सरलता मीन कोई बोका आदमी को आप लाके बोले महाराज ये सरल है, ये सरल नहीं है। सरल का अर्थ भक्ति विनोद ठाकुर ने किया है, गुरुवर्गो ने किया है। सरलता मतलब अंतरे बाहिरे सम व्यवहार अमानी मानद हब, इसको बोलते हैं सरलता। किसी बोका फुलिश आदमी को लेकर बोले मा ये सरल आदमी है, ये सरल नहीं है। तो सरलता धीरता, जो सिद्धांत तो बोलेंगे, जो आचरण करेंगे, जिस रास्ता पे चलेंगे, एक शुद्ध वैष्णव का पल पल में उसका कदम पदम में उसका रिजिटी, उसका जो धीरता है ये प्रमाणित होगा। सरलता धीरता निरपेक्षता, वो निरपेक्ष होगा, किसी को दोष नहीं मानेंगे, ये अपना आदमी है, इसको लेके एक पार्टी बनाएंगे करेंगे नहीं, शुद्ध वैष्णव का ही लक्षण है। बाकी वैष्णव का बहुत लक्षण है, 3 प्रधान लक्षण आप जानकारी आपको होना चाहिए, नहीं तो आपको धोखा मिलेगा जरूर। तो गुरु वैष्णव में आश्रय लो, इसका पहले आपको क्या करना चाहिए, गुरु वैष्णव का साथ संग करना, मतलब हरि कथा श्रवण करो, करते करते वो अवस्था में उठो, फिर गुरु वैष्णव का चरण आश्रय लो, फिर उसका बाद आगे चलो। भजन में बहुत सारे पद्धति है, बताने का समय कम है, ये महाराज लोग हम सब बताएंगे, हम काल का सुयोग हो तो थोड़ा बहुत और बताएंगे, बहुत सारे महाराज है, टाइम होते जा रहा है। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वैवश्य पतितानं पावने वैष्णवभ्यो नमो नमः।